तो गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो टॉपिक है हमारा लाइटिंग अरेस्टर का रहेगा। जैसा कि हमने बताया था कि अगली क्लास हम लाइटिंग अरेस्टर के बारे में पढ़ेंगे, तो हम जानेंगे लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है ना, कैसे काम करता है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कैसा कनेक्शन होता है इसका, तो इसके बारे में आज जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे लाइटिंग अरेस्टर। तो लाइटिंग अरेस्टर का हिंदी नाम क्या होता है? तड़िक चालक या तड़िक निरोधक भी बोल देते हैं, है ना। तड़िक चालक या तड़िक निरोधक इसका नाम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग ऐसी जगह किया जाएगा कि आपने देखा होगा कि बारिश के समय हमारा क्या होता है कि दो बादलों में आपस में टकराव होता है, दो बादलों में आपस में टकराव होता है, जिसमें क्या हो जाता है माइनस या निगेटिव चार्ज इसमें क्या होता है जनरेट हो जाता है ना। अब इसे पॉजिटिव चार्ज, ये इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। अब इसको पॉजिटिव चार्ज लेने के लिए है सबसे बेहतरीन जगह क्या होती है, ये स्थान क्या होता है, हमारी पृथ्वी होती है। तो ये क्या करता है, यहां से पॉजिटिव चार्ज लेने का प्रयास करता है, ठीक है। यहां से क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज अपनी ओर खींचने का काम करेगा। जब अपनी ओर पॉजिटिव चार्ज खींचने का काम करेगा तो इसमें क्या होगा कि ऐसी स्पार्किंग होती है। क्या होती है? ऐसी स्पार्किंग होती है, और स्पार्किंग में बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज होता है। क्या होता है? हाई वोल्टेज होता है, उसकी जो वोल्टेज होती है हाई वोल्टेज होती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, जहां पास ये ऐसी स्थितियां बनती हैं वहां पास क्या हो जाता है, अगर पेड़ों में बनती है तो पेड़ फट जाते हैं, बिल्डिंग में होता है तो बिल्डिंग गिर जाती है, ठीक है, किसी इंसान के ऊपर गिर जाती है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हमारे लिए लॉसेस बन गया, ये हमारे लिए क्या बन गया था, लॉसेस बन गया था कि जो हमारे आकाशीय बिजली होती है उससे हमारे उसको ये बचाने के लिए कुछ था नहीं। तो हमने ये क्या था, लाइटिंग अरेस्टर बनाया हमने। क्या बनाया हमने? लाइटिंग अरेस्टर। ये अर्थिंग के ही समान होता है, थोड़ा सा ही अंतर होता है। जैसे हम अर्थिंग करते हैं, वीडियो मैंने बता रखा है कि अर्थिंग कैसे करते हैं, उसके ही समान होता है, बस थोड़ा सा ही अंतर होता है। तो सेफ्टी किससे प्रदान करता है? तो ये आपको किसमें क्या करेगा, आकाशीय बिजली से आपको क्या करेगा, सेफ्टी प्रदान करेगा, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं कनेक्शन कैसा होता है। कनेक्शन की बात करेंगे अगर, कनेक्शन की बात करेंगे, इसका कनेक्शन लाइन में होगा, लाइन टू अर्थ होगा। क्या होगा? लाइन टू अर्थ होगा। कैसे होगा, जैसे हम देख लेते हैं, ये हमारी लाइन जा रही है ना, और ये हमारी क्या हो गई, दूसरी हो गई, जैसे चीनी मिट्टी की जो लगी होती है आपने देखा भी होगा, और ये हमारा अर्थ हो गया। कुछ ऐसा कनेक्शन होता है, ये हमारी क्या होती है, लाइन होती है, जिसमें हाई वोल्टेज क्या होता है, टर्निंग होता है। मतलब क्या होता है, यहां से हमारी जो लाइन आती है ना, ओवरहेड लाइन, वो लाइन होती है जिसमें 35 kV या फिर 66 kV या फिर इससे भी ज्यादा जो वोल्टेज अपने इसमें क्या करते हैं, सवाल करते हैं, बहती रहती है, ठीक है। उसके बीच में हम लगाते हैं, ऐसा कनेक्शन करते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, लाइन हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है, और ये हमारी दूसरी हो गई, और ये हमारा होता है मेन गांव। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास हम गैप रख देते हैं। क्या रख देते हैं? गैप रख देते हैं। और गैप के अंदर क्या होता है, गैस होती है, सॉरी वायु होती है, अपनी नेचुरल जो एयर है वो होती है। तो उसका आपने पढ़ा होगा कि उसका जो उसकी जो वोल्टेज क्षमता होती है कितनी होती है, 3 kV प्रति एमएम होती है। अगर 1 mm एयर है उसको उसको तोड़ने के लिए, उसका ब्रेक डाउन करने के लिए कितनी हमको वोल्टेज चाहिए, तो हमको 3 kV की वोल्टेज चाहिए इसको तोड़ने के लिए। 1 mm वायु के लिए हमको इतनी वोल्टेज की आवश्यकता होती है। ये इसका ब्रेकिंग है, कितने भी एयर क्या जाती है, टूट जाती है हमारी, है ना। क्योंकि हर चीज की कैपेसिटी होती है, जैसे कि आपने बता रखा था हमने। तो इसमें कनेक्शन में क्या रहेगा, लाइन रहेगा, टू अर्थ रहेगा, और बीच में क्या रख देंगे, गैप रख देंगे, ठीक है।
या फिर ऐसा क्या कर सकते हैं सर, डायरेक्ट कर सकते हो दूसरे तरीके से, दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं हम कि हमारी लाइन है और उसके बीच में क्या लगा देते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं और इसके बाद फिर क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। ये भी मेथड अपना सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा हमारा, ये जो रेजिस्टेंस रहेगा, ये जो रेजिस्टेंस रहेगा नॉर्मली यानी 33, अगर 33 के लिए बना है, अगर 33 के लिए बना है तो ये 33 वोल्ट को नीचे नहीं जाने देगा, ये 33 के लिए रहेगा। लेकिन इससे जब ज्यादा वोल्टेज आएगी तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, सप्लाई जो है हमारी क्या हो जाएगी, आर्थ पे चली जाएगी, है ना। तो अब देख लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो कनेक्शन तो हमने देख लिया, इसका कनेक्शन कैसा होता है, टाइप देख लेते हैं, ठीक। एक चीज और देख लेते हैं, ये होता कैसा है, ये नॉन लीनियर होता है। कैसा होता है, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है कि आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे, है ना। रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, कम होगा। जब वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो ये कैसा होता है, नॉन लीनियर होता है, ठीक है। आप देख लेते हैं टाइप के बारे में। तो सबसे पहले अपना क्या है, रॉड टाइप, फिर इसके बाद है हॉल गैप। रॉड टाइप में क्या होता है आपका, कुछ इस प्रकार का होगा, जो हमने सबसे पहले डायग्राम बनाया था, ये हमारी लाइन और ये हमारी क्या हो जाएगी, ब्रशिंग हो जाएगी और ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्थिंग पॉइंट। इसके बीच में एयर गैप रख देंगे और ऐसा कनेक्शन कर देंगे, ये हमारी लाइन और ये हमारा अर्थ और ये हमारा गैप, ठीक है। जब वोल्टेज बढ़ेगा तो इसका जो हवा है इसके बीच में, इसका ब्रेक डाउन होगा और सप्लाई बनना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और अगर नॉर्मली कंडीशन है, जैसे मान लीजिए 33 के लिए 66 के लिए है, तो 66 के लिए कैसा काम करेगा, रेजिस्टेंस की भांति काम करेगा, ठीक है, यहाँ सप्लाई जान नहीं देगा, ठीक है। तो रॉड टाइप में सेम यही होता है। वैसे कई प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बता रहा हूँ जो ज्यादातर उपयोग किया जाता है। जैसे हॉर्न गैप जो हमारा उपयोग किया जाता है वो ट्रांसफार्मर में किया जाता है, है ना। तब देख लेते हैं हॉर्न गैप कैसा होता है, हॉर्न गैप में ज्यादा अंतर नहीं होता है। हॉर्न गैप में क्या रहेगा, सी जैसे जानवर की सींग होती है, है ना, गाय की भैंस की, उसके समान ही होती है सींग, हॉर्न की सींग होती है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, ये हमारी लाइन जा रही है, इस लाइन से हम क्या कर देंगे, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे और इस वायर का हम क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे, ठीक। ये हमारी लाइन, ये हमारा रेजिस्टेंस और ये हमारा गैप और ये हमारी अर्थ, ऐसा कनेक्शन रहेगा इसका। मेन कनेक्शन ये होता है, ये हॉल के समान दिखता है, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, नॉर्मली कंडीशन में क्या करेगा, रेजिस्टेंस से आप सप्लाई जान नहीं देगा, है ना। गैप भी है, दो चीजें प्रोटेक्टिव लगी हुई, पहला रेजिस्टेंस दूसरा गैप है, है ना। अब मान लीजिए कंडीशन कैसी हुई, इसमें आकाशीय बिजली गिरी, इसका वोल्टेज बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वोल्टेज जब बढ़ेगा तो हमने बताया था नॉन लीनियर होता है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा और सप्लाई आगे की ओर बढ़ेगी और इसके बीच में जो एयर होती है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसके एयर का कितना होता है, इसके लिए कितना चाहिए, 1 mm में 3 kV होनी चाहिए। अब जब 3 kV से ऊपर हो जाएगी तो ऑटोमेटिक इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, सप्लाई कहाँ चली जाएगी, हमारी अर्थ में चली जाएगी। तो नॉर्मली कंडीशन में तो ये रेजिस्टेंस की भांति कार्य करता है, लेकिन जब हमारी जो जिस कंडीशन के लिए बनाया गया है उस कंडीशन में क्या करेगा, ये लाइटिंग रेजिस्टर की तरह कार्य करेगा, है ना, क्योंकि लाइटिंग रेजिस्टर है ये, ठीक है। अब अगला है अपना स्पेस गैप, इसको देख लेते हैं कैसा होता है। इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये लाइन, ये रेजिस्टेंस और यहां पास गैप, बस सिंपल ही होता है, ठीक है। ये लाइन हो गया आपका और यहां पास क्या हो जाएगा, ये आपका, ठीक। मल्टीपल गैप में क्या हो जाएगा, आप यहां पास मल्टीपल गैप कर दीजिए, 1 2 3, ठीक है, ये मल्टीपल गैप हो गया आपका।
मल्टीपल गैप में क्या होगा, इसका थोड़ा सा क्या हो जाएगा, जो हाई वोल्टेज में उपयोग किया जाए, बहुत ही हाई वोल्टेज, मतलब ये 132 से ऊपर में किया जाएगा, है ना। इसमें क्या हो जाता है, दो तीन गैप रखे जाते हैं, है ना। मान लीजिए इसमें कितना हो गया, तीन इसका हो गया, तीन इसका हो गया, तीन इसका ना हो गया, है ना। इसमें जो हाई वोल्टेज होता है इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ये रेजिस्टेंस लगाया जाता है, यहाँ पास गैप रखा जाता है, ठीक है। ये जो हॉल गैप था ना अपना, उसका ये थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। और कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट यही होती है, ठीक है। तो लाइटिंग रेजिस्टेंस हमारे ख्याल से बन जाना चाहिए, मेन कनेक्शन है इसका, और इसकी परिभाषा क्या है, कि आकाशीय बिजली से सेफ्टी डिवाइस है पहली चीज। तो यह आकाशीय बिजली से क्या देगा, आपको सेफ्टी प्रदान करेगा। नाम क्या होगा, तड़िक चालक, है ना। और दूसरा नाम क्या होगा, तड़िक निरोधक हो जाएगा, प्रकार हमने बता दिए, ठीक। तो तब तक के लिए धन्यवाद।